तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। भाई सब गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर टाइट योर सीट बेल्ट, क्योंकि भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप आउट हो चुका है, अगर नहीं पता है। और जिसने देख भी लिया है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है और डिस्कशन अभी चल रहा है। आप भी अपनी तरफ से एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना, लेकिन जिसने नहीं देखा है एंड वांट टू नो कि भाई साहब एपिसोड में आखिर हुआ क्या क्या है, तो अभी पूरा रिकैप करने वाले हैं, फुल रिव्यू करने वाले हैं कि भाई जो फर्स्ट एपिसोड है किस हद तक की आग लगा कर गया है। क्योंकि सीजन वन हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन वन में जहां पर एंडिंग हुई थी, उसके बाद से अब क्या कहानी होने वाली है और ये कितना बूस्ट कर रहा है उस चीज को, क्योंकि वेंजेंस रिवेंज ये बहुत हद तक ट्रिगर करने वाला है इस पूरे सीजन में। और एपिसोड वन में भी वही चीज हमें देखने को मिली थी। दो आर्मी तैयार हो चुकी है, क्वीन रेनेरिया टारगेरियन की, जो वेलेरियन में वहां जाकर बैठी पड़ी है, वो अपनी आर्मी तैयार लेकर बैठी हैं। देन उसके बाद जो किंग्स लैंडिंग पर अपने टारगेरियन, जो मेन टारगेरियन है एगॉन टारगेरियन है, एलिसेंट हाईटावर, ये अपनी आर्मी लेकर तैयार बैठे पड़े हैं। तो भाई खून खराबा की जो बू आ रही है कि हद तक खून की होलियां जो खेली जाएंगी, जो अपने इंडिया में खेली जाती हैं, लेकिन भाई सब हॉलीवुड में भी खेली जाने वाली हैं इस बार भयंकर तरीके से। क्योंकि ड्रैगन्स उनके पास कम नहीं है, ना रेनेरिया टारगेरियन के पास कम है, ना उसके बाद एगॉन टारगेरियन के पास कम है। भाई सारे अपने ड्रैगन राइडर्स तैयार कर रहे हैं, ड्रैगन को फीड कर रहे हैं, कैसे कैसे पावरफुल बना सकते हैं, कूटनीतियाँ दोनों की तरफ से चल रही हैं। और ये था ब्रीफ समरी कि हमें क्या क्या आखिर मिलने वाला है एपिसोड वन में एंड आगे भी। अभी बात करते हैं कि एपिसोड वन में आखिर हुआ क्या क्या है। भाई सीधी तरीके से बताऊं तो सिंपली कहानी को स्टार्ट करा गया है, जो की पॉइंट था जो सीजन वन पर जो मिस हुआ था और इसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड भी करी गई थी, विंटरफेल और द ग्रेट वॉल, जिसके बारे में बात नहीं हुई है। विंटर इज कमिंग का वर्ड भी देखने को मिला है, यानी सुनने को मिला है। तो जो कहानी इसमें चली है भाई, तीन फेज पर कहानी चली है। एक विंटरफेल पे गया कहानी चल रही है, देन उसके बाद वलेरियंस के पास वहां क्या कहानी चल रही है, देन उसके बाद किंग्स लैंडिंग पर क्या कहानी चल रही है, एंड चार फेज पर कहानी चल रही है। चौथी कहानी वहाँ चल रही है द ग्रेट वॉल पर, जहाँ क्रो एंड जो नाइट गार्ड हैं, ये सारे वर्ड दोबारा से सुनने को मिले, जो रिकॉल करके गए गेम ऑफ थ्रोन्स का वो वाला पार्ट एंड वो सारे की मोमेंट जो गेम ऑफ थ्रोन्स में हमेशा, मतलब फुल टाइम फुल सीजन्स में हमें हाईलाइट पे रहे हैं और सुनने को भी मिले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में ही ब्रीफली बताया जाता है कि एंसेस्टर्स का क्या रोल रहा है, विंटरफेल कैसे एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेवन किंगडम्स में, देन उसके बाद जो द ग्रेट वॉल तैयार करी गई है इसमें हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया है और किस चीज़ के थ्रेट के लिए इसको इस्टेब्लिश कराया गया है, इसकी देखरेख करी जाती है, वो वगैरह वगैरह चीज़ें। खैर गेम ऑफ थ्रोन्स अगर देखी है तो आपको यहाँ से पता चली जाएगा कि काहे के लिए वो तैयार करा गया है। फिलहाल अगर विंटर इज कमिंग जैसा वर्ड देखने को मिला है, मतलब सुनने को मिला है, तो इट मीन्स ये कि भाई साहब वाइल्डलिंग का पंगा भी वहाँ अलग देखने को मिलेगा, जो शायद एपिसोड टू में हमें मोटा मोटा कुछ देखने को मिल जाए। देन उसके बाद भाई वाइट वॉकर की कहानी भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो गेम ऑफ थ्रोन जैसा ही रोड मैप जैसा देखने को मिल रहा है। फिलहाल एपिसोड वन की बात करते हैं कि क्या चल रहा है। प्लानिंग चल रही है दोनों की तरफ से, अपनी अपनी कूटनीतियां बना रहे हैं। रेनेरिया टारगेरियन मदर ऑफ ब्रोकन हार्ट, क्योंकि रिसेंटली उसके बेटे को मार दिया गया है मजाक में, वो भी एगॉन टारगेरियन के द्वारा, जिसके ड्रैगन ने उसके ड्रैगन को खा लिया था। खैर ये सभी जानते ही होंगे। तो रेनेरिया टारगेरियन बेहोश बेतहाशा सी अपने बेटी के अवशेष को ढूंढने के लिए वही करते रहती है। देन लास्ट में, एपिसोड के लास्ट में उसके बेटे का अवशेष उसे मिल भी जाता है एंड सीधा एक वर्ड निकालती है मुझे कि मुझे उसका सर चाहिए। किसका? एगॉन टारगेरियन का। लेकिन भाई साहब बात अगर एगॉन टारगेरियन की चल रही है, जो एपिसोड वन में फिलहाल मुझे सब कुछ नोटिस हुआ है कि एगॉन टारगेरियन जिस हिसाब से नेगेटिव रूप में काउंट करा जा रहा है या उसे दिखाया जा रहा है, लेकिन वो इस हद तक का बुरा इंसान नहीं है। हार्टली काइंड है, क्योंकि वो अपने जनता की भी सुन रहा है, प्रजा से समन कर रहा है, उनके पिटीशंस को भी सुन रहा है, उनको तवज्जो दे रहा है। लाइक एक वो वाला सीन आया था कि एक चरवाहे की सैनिकों ने जोर जबरदस्ती करके 10 भेड़ बकरियों को उठा लिया था, क्योंकि उन्हें अपने ड्रैगन को फीड वगैरह करना है। दैट्स वाई ये सारी कहानी चली थी। लेकिन जब वो ये बातें एगॉन टारगेरियन को बताते हैं, तो एगॉन टारगेरियन कहता है कि भाई साहब ठीक है, हम आपके भेड़ बकरियों को वापस कर देंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि एज किंग ये बंदा सफल है, एज किंग ये अपनी जनता की बात सुन रहा है, तो किंग के हिसाब से ठीक है। एक हस्बैंड के हिसाब से भी बंदा बढ़िया मैच्योर देखने को मिला है, एक फादर के हिसाब से भी बढ़िया देखने को मिला है। देन मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई साहब, एलिसेंट हाई टावर का चक्कर अपने लॉर्ड कमांडर के साथ चल रहा है। मेन जो अगर मैं बताऊँ ना, 50% सक्सेस रेट गेम ऑफ थ्रोन्स का जो देखने को फिलहाल मुझे लगा,
कि भाई साहब जो सेक्सन वल्गर सीन्स थे उसमें वो काफी हद तक बूस्ट एंड विक्ट्री साबित देखे गए थे गेम ऑफ थ्रोन्स को, और वही चीज हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 में भी पेल के देखने को मिला एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के एपिसोड 1 में। खैर उतना नहीं, सिर्फ दो मोमेंट ही देखने को मिले हैं एलिसेंट और लॉर्ड कमांडर के द्वारा, बस दो ही फिलहाल। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आगे जाके ये बहुत कुछ देखने को मिले, लेकिन भाई साहब एक मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल करके गया। रेनेरिया टारगेरियन, उसका जो बड़ा बेटा है जैकेरियस वलेरियन, जब इन दोनों का मीटअप होता है एंड वो बताता है कि जिस चीज़ के लिए मैं गया था, यानी ये लोग हमारे साथ होने वाले हैं, और वो बहुत इमोशनल मोमेंट, क्योंकि रिसेंटली छोटे बेटे की हत्या कर दी गई है और दोनों माँ बेटे आपस में मिले हैं, और काफ़ी दमदार था। मतलब एज रियलिस्टिक दिखाने की अगर मैं बात करूँ, लिखाई जिस हिसाब से इसकी हुई है, एक अच्छी स्टोरी राइटिंग और प्लॉटिंग, देन उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है भाई, सब कुछ दमदार है। गेम ऑफ थ्रोन्स इसलिए ही इतनी ज़्यादा चर्चित में नहीं थी क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत प्यारी थी, उसके बाद जो भी इम्प्लीमेंटेशन था एंड जो डायरेक्टर का विजन था वो सब चीज़ एक एक चीज़ फाइन थी। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 में भी यही हमें देखने को मिला, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में भी वही चीज़ फॉलो होते नजर आ रही है, और ये आग लगाने वाला है ये सीजन 2 बाय गॉड, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड बहुत कुछ हिंट देके गया है। एंडिंग जहां पर करी है फर्स्ट एपिसोड की, वो वेंजेंस वाली, वो बदले वाली जो आग अभी तक चल रही थी, फिलहाल अभी जैसी गर्मी चल रही है ना, जितनी गर्मी अभी पोटेंशियल है उससे कहीं ज्यादा गर्मी भाई वहां देखने को मिलने वाली है। एंड नाउ टॉक अबाउट मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, जो मेरा है डेमन टारगेरियन, और उसका जो भी पार्ट आया है उसके हिसाब से जो भी एग्रेसिवनेस, क्रुएलिटी, नेगेटिविटी, सब चीज़ जो हमें सीजन 1 में देखने को मिला था, जिसका भाई मैं फैन हूँ, लिटरली वही चीज़ सब कुछ एज इट इज़ देखने को मिल रही है, वो क्रुएलिटी, क्रुएलनेस, क्योंकि डेमन टारगेरियन इतने फेसेस को, मतलब इतनी एक एक टाइम पर एक एक ऐसे मोमेंट को जीकर आ चुका है, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस करके आ चुका है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी टस से मस बदला नहीं है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा खास लगती है इसकी। वो टॉक्सिसिटी सब कुछ देखने को मिलती है जब वहाँ पर रेनेरिया टारगेरियन उससे डिमांड करती है कि मुझे एगोन टारगेरियन का सर चाहिए। ये चोरी छुपे जाता है किंग्स लैंडिंग पर, वहाँ पर किलर को हायर करता है और कहता है कि भाई साहब कैसे भी करके उसका सर ला के दो, या फिर उसके बेटे का सर ला के दो। भाई 5 से 6 साल के बच्चे का सर काट के लेके आ रहे हैं, दिस इज द क्रुएलिटी एंड दिस इज द हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2, जहाँ पर भाई अपने सगे भाई को मारने की बातें चल रही हैं, बदले की बात चल रही है, छोटे से बच्चे के ऊपर भी दया भाव नहीं दिखाई जा रही, तो समझ सकते हो किस हद तक की लड़ाई चलने वाली है। रियलिटी भाई, जो रियलिटी यहाँ चली है ना, चलती है जो अपने लाइफ में, वही रियलिटी वहाँ देखने को मिल रही है, वो क्रूएलनेस सब कुछ। भाई महाभारत अगर हम बोले ना इंडिया की, तो ये हॉलीवुड की महाभारत है, जो अपने सगे को मारने के लिए, सत्ता के लिए और बदले के लिए, बस ये दो मेन फोकस है लड़ाई के, और यही चलने वाला है। फिलहाल दैट्स माय साइड भाई, जितना हुआ मुझे लगा बताना चाहिए, बाकी बहुत कुछ है, सिर्फ यही नहीं है, ये तो बहुत छोटा पार्ट था, 10 से 15% ही मैंने आपको बताया है कि मोमेंट। अगर नहीं देखा है तो एपिसोड 1 जाके जरूर देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स लवर हो तो भाई साहब जरूर देखो इसको, काहे को मिस करना है, सीजन 1 सभी ने देखा ही देखा होगा। अभी एपिसोड 2 से हमें बहुत कुछ, सिर्फ लड़ाइयाँ ही देखने को मिलने वाली है, ड्रैगन्स, एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन को मारेगा, और सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होने वाला है वागार एंड डेमन टारगेरियन का जो ड्रैगन है कराकस ड्रैगन, एक फुल ग्रोन यानी वागार बहुत पावरफुल है और साइज में बहुत बड़ा है। देन उसके बाद अगर कराकस ड्रैगन की बात करें तो बहुत स्किल्ड है, बहुत फुर्तीला है, और उसके बाद ड्रैगन राइडन जो डेमन टारगेरियन है बहुत मैच्योर्ड है। तो भाई ये पार्ट, इन दोनों का आमना सामना देखने के लिए भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, बाकी आपने भी एपिसोड ये देख लिया है सीजन टू का फर्स्ट एपिसोड, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, बाकी और क्या होने वाला है क्या नहीं ये भी जरूर बता के जाना, बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही।